गाइस जब आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और आप स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ आपको कई लोगों के चैनल्स दिखाई देते होंगे, यानी कि आपको अब व्हाट्सएप चैनल शो हो रहे हैं। तो गाइस ये व्हाट्सएप चैनल क्या है और आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में गाइस हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप iOS यूजर हैं या एंड्रॉइड यूजर हैं और आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से चैनल शो हो जाते होंगे। ये भी आप देखेंगे जो भी सेलिब्रिटीज हैं या कोई भी ऐसा न्यूज चैनल्स है या बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके आपको यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल शो हो रहे होंगे। अब गाइस ये व्हाट्सएप चैनल क्या है और हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल जो है एक प्रकार का ऐसी चैनल बनाया गया, जैसे कि आपने देखा होगा पहले होता था यूट्यूब चैनल होता था, उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी एक ऑप्शन आया जिसमें कि हम ब्रॉडकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल के नाम से, और उसके बाद आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे भी काफ़ी ऐसे चैनल्स होते हैं जिसको हम क्रिएट कर लेते हैं और अपने ब्रांड को या किसी भी चीज़ को, अगर आप सेलिब्रिटी हैं पब्लिक फिगर हैं तो आप अपने आप को पॉपुलर कर सकते हैं वहाँ पर, अपनी अपडेट्स वहाँ पर दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई ब्रांड है कोई बिजनेस है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चैनल का मेन मकसद यही होता है कि आप अपने प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे आप उनको अपडेट एक बार में दे सकते हैं, चैनल को फॉलो करके रखते हैं सब्सक्राइब करके रखते हैं एक ही बारे में आप उनको कोई भी अपडेट्स दे सकते हैं। कोई भी न्यूज़ अपडेट्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कराना चाहते हैं आप अपने चैनल में पोस्ट करेंगे और वो इन तक पहुँच जाती है। तो गाइस यही ऑप्शन अब व्हाट्सएप ने भी लॉन्च कर दिया है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे फाइंड चैनल पे आप जैसे क्लिक करेंगे काफ़ी लोगों के आपको यहाँ पे चैनल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है गाइस कि कौन लोग हैं जिनके चैनल क्रिएट हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अभी आप देखेंगे आपको कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ शो हो रहे होंगे जिनके व्हाट्सअप चैनल क्रिएट हो रखे हैं, या फिर कोई ऐसी ब्रांड है या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके यहाँ पर चैनल क्रिएट हो रहे होंगे, या आप देखेंगे स्टार स्पोर्ट्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, मुंबई इंडियंस हैं, इस तरीके से गाइस आपको ये चैनल क्रिएट हुए दिख रहे हैं। कोई भी पर्सन आप देखेंगे या तो वो पब्लिक फिगर है या कोई ब्रांड है या कोई बिजनेस है जिसके चैनल्स दिख रहे हैं। तो कुल मिला के बात गाइस ये आती है कि सिंगल पर्सन यानी कि कोई भी आम आदमी क्या चैनल को क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, वो कैसे चैनल को क्रिएट कर सकता है या कब क्रिएट कर सकता है। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि चैनल किन लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी आम पर्सन दिखाई नहीं दे रहा होगा जिसने कि चैनल क्रिएट कर रखा हो, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उनका आपको अभी तक कोई चैनल दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसका सीधा सीधा गाइस ये है आंसर कि अभी तक ये नॉर्मल लोगों के लिए यानी कि जो आम आदमी है उनके लिए चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है गाइस, अब मैं आपको बताता हूं। व्हाट्सएप पे चैनल केवल वही लोग क्रिएट कर सकते हैं जिनका बिजनेस अकाउंट है, यानी कि व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट है और वो बिजनेस अकाउंट भी जो व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट है वो भी वेरीफाइड हो रखा हो। वेरीफाइड मीन्स कि उस पर ब्लू टिक या ग्रीन टिक आपने देखा होगा वो मिल जाता है जब आपको, तब उसको वेरीफाइड माना जाता है। तो अगर गाइस आपका कोई बिजनेस है कैरी करते हैं आप, या फिर आप पर्सनालिटी आप मतलब ऐसे कोई पब्लिक फिगर हैं या फिर आप कोई सेलिब्रिटीज़ हैं या आप कोई ऐसी ब्रांड कैरी करते हैं जो कि आपने उसका बिजनेस अकाउंट व्हाट्सएप पे बना रखा है, व्हाट्सएप की एक एप्लीकेशन होती है जिस पे हम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, अगर आपने कोई वो अकाउंट बना रखा है बिजनेस अकाउंट और आपने उसको वेरीफाई करा रखा है तभी आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और आप उसको चैनल को क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस अकाउंट नहीं है व्हाट्सएप का या फिर आपने अपने आपके पास है भी अकाउंट आपने उसको वेरीफाई नहीं करा रखा है तो आप WhatsApp चैनल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं गाइस आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपका WhatsApp बिजनेस अकाउंट भी बना हुआ है लेकिन वो वेरीफाई नहीं है तो वेरीफाई का क्या एलिजिबिलिटी है। गाइस वेरीफाई आपका बिजनेस अकाउंट तभी हो सकता है WhatsApp बिजनेस अकाउंट जब अगर मान लीजिए जो भी आपने जिस नेम से भी आपने WhatsApp बिजनेस अकाउंट बना रखा उस नेम को गूगल पर सर्च करें और न्यूज में वहां पर लंबे लंबे लॉन्ग आर्टिकल्स आपके नाम से देखने के लिए मिले तभी आपका जो है WhatsApp बिजनेस अकाउंट को वेरीफाई किया जा सकता है। जब एक बार आपका WhatsApp बिजनेस अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा यानी कि आप अपने व्हाट्सएप चैनल को क्रिएट कर पाएंगे और फिर आप इस तरीके से उसको यूज़ कर पाएंगे जिससे कि ये लोग आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फाइंड चैनल पे जब आप क्लिक करेंगे काफ़ी सारे चैनल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको ऊपर और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे कि मोस्ट एक्टिव कौन सा चैनल है, पॉपुलर कौन सा चैनल है, न्यू कौन सा चैनल है, इंडिया के बाहर के अदर कंट्रीज जो हैं उनके कौन से चैनल्स हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चैनल देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये गाइस बात कर लेते हैं कि इसको आप क्लिक करेंगे जैसे इस पर यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी सारी, कौन कौन सी पोस्ट किसने कर रखी है जिनके चैनल क्रिएट हो रखे हैं, जैसे कि आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है या टेलीग्राम चैनल है तो उस पर जो भी पोस्ट करते हैं वो शो हो जाती है, ऐसे यहाँ पे आपको जिन पर्सन के ये व्हाट्सअप चैनल क्रिएट हो रखे हैं उनकी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसको फॉलो करना चाहते हैं आप तो आपने फॉलो बटन पे क्लिक कर देना है, जैसे आप इस पर फॉलो बटन पे क्लिक कर देंगे चैनल को आप फॉलो कर लेंगे, यानी कि कुल मिला के आपने सब्सक्राइब कर लिया इस चैनल को। अगर आप इसको अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं
अनफॉलो करना चाहते हैं तो आपने तीन डॉटेड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप इसको अनफॉलो, ये चैनल अनफॉलो हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप कोई भी चैनल को फॉलो अनफॉलो कर सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं ये कि क्या आप चैनल को क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए नॉर्मल लोगों के लिए अभी चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे टेलीग्राम पे कोई भी व्यक्ति चैनल को क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ही जल्द व्हाट्सअप भी ऐसे इस फीचर को सबके लिए अवेलेबल कर देगा और कोई भी पर्सन फिर फ्यूचर में अपने चैनल को क्रिएट कर पाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन अभी केवल बिजनेस वाले लोगों के लिए है या कोई सेलिब्रिटी है फेमस पर्सन है उसके लिए है, लेकिन कुछ दिनों में ये ऑप्शन हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तब आप अपने व्हाट्सअप चैनल को क्रिएट कर पाएंगे। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट्सअप चैनल कौन क्रिएट कर सकता है, व्हाट्सअप चैनल क्या है और कैसे आप व्हाट्सअप चैनल को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।